ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आशा कार्यकर्ताओं के पिछले 25 दिनों से चल रहे आंदोलन पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार के लिए इतना संभव नहीं है कि आशा कार्यकर्ता के लिए इस समय कुछ कर सके। वही आशा कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रही हैं। वे कभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का पुतला जला रहे हैं, तो कभी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो कभी ज्ञापन दे रही हैं। वही आशा कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि उन्होंने कोरोना में अपनी पूरी नौकरी करी है और उसमें से कई लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें से कई आशा कार्यकर्ता ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर चुकी हैं, इसके बावजूद भी उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस बात पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि सरकार के पास इस समय व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उन्होंने अपनी बात को कुछ इस प्रकार से समझाया कि सरकार के पास आय का मुख्य स्रोत मात्र टैक्स होता है और टैक्स का सरकार सही तरीके से प्रयोग करने का प्रयास कर रही है, जिसमें उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आशा कार्यकर्ताओं को उनके लिए कुछ आजीविका का स्रोत धन उपार्जन दे सके। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर के इस बयान पर एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि प्रदेश में सिर्फ यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर व्यापक घोटाला हुआ, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। प्रदेश में सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आखिर इतना पैसा मंत्री अधिकारी और भ्रष्टाचार में सरकार खर्च कर रही है, यदि उसका कुछ भाग मात्र इन आशा कार्यकर्ताओं को दे दिया जाए तो क्या इस देश का भाग्य नहीं बदल जाएगा? परंतु इस बात से अनभिज्ञ और सत्ता के नशे में चूर श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि ऐसा होना फिलहाल संभव नहीं है। नेताओं के वो घर नहीं गए, बढ़ाई जा रही है कि ऐसा कुछ। मैंने आपसे क्या कहा, मुद्दा रेट पे आप आ रहे हैं। कंपनियां हैं विद्युत की, जो कंपनी बिजली खरीदती है और वो बेचती है, तो बिजली खरीदती है और बेचती है, अगर बिजली उनको खरीदी महंगी पड़ेगी या उसको खरीदी में उनको अपने यहाँ के उसमें कुछ खर्चे ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है बिजली की दर बढ़ानी पड़ेगी। परंतु सरकार हमेशा इस बात का ध्यान देती है, ये कंपनियों का काम है। दूसरी तरफ देखो सरकार क्या करती है, सरकार उसमें अगर जरूरत पड़ती है महंगी बढ़ी हुई तो सब्सिडी देती है, जनता को तकलीफ नहीं देती। यही है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का सोच, यही है उनका गरीबों के प्रति लगाव। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति मत करो, लोगों की सेवा के लिए राजनीति। एक बात सिंधिया जी को फिर लेकर कही है उन्होंने कि मुझे तरस आता है उनपे कि हम उनके यहाँ दो दो घंटे इंतजार में खड़े रहते थे, इतना बड़ा कद था, आज वो आम कार्यकर्ता के यहाँ बार बार भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। जब वो कांग्रेस में थे, आप भी और हम सब गवाह हैं इस बात में, श्रीमद सिंधिया जी 18 से पहले किन घरों पे नहीं गए थे, कितनी सभाएं नहीं की थी, कि आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह के घर नहीं गए थे, कितने नेताओं के वो घर नहीं गए थे। वो हमेशा सिर्फ जहां जिस जगह अपनी ईमानदारी से काम करती, उनका लक्ष्य राजनीति समाज सेवा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। तो आप इससे पहले का भी रिकॉर्ड उठा लो, सुख और दुख में जब चंबल में पानी में बाढ़ आती है, मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी होते हैं, पर उस समय भी उनके किसानों के बीच उन गांव में गया कौन? श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरी तरफ थे माननीय शिवराज सिंह, तब कहाँ थे ये लोग? ये कह रहे हो कि आज ही वो जा रहे हैं, उस समय भी वो सड़क लोगों के लिए काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे। सर, आशा कार्यकर्ताओं को उनका हक कम मिलेगा? आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी जो उनका हक है, सम्मान है, दिया जा रहा है, और कहीं कोई शिकायत होगी उसको। सर, पिछले 25 दिनों से वो धरने पे है, उनको न्याय कब मिलेगा? सर देखिए, मेरा ये कहना है आपसे, आशा कार्यकर्ताओं, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कुछ चीजों, ये सरकार इसको हम और आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे तो हम आरोप प्रत्यारोप भले लगाते रहेंगे, काम चलने वाला नहीं। भाई मेरा आपसे इतना कहना है कि सरकार किसे चलती है? टैक्स से, जो जनता का पैसा आता है सरकार उसको वैसे वो खर्च करती है। हमारा आज की डेट में आप देखोगे कितने करोड़ रुपया हमारा निश्चित सैलरी पे जा रहा है, कितने लाख लोग हैं
जिनकी सैलरी पे जा रहा है, एक तरफ कितने लोग हैं जिनके विकास के लिए खर्च करना है। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि सबको पहरेज करना है। आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व, सरकार करेगी। हर चीज में सरकार हर व्यक्ति हर पक्ष को सुनकर और समाधान करेगी। एलिवेटर रोड को लेकर बिल्कुल कल एलिवेटर रोड को लेकर इसका कल हमारे जनप्रतिनिधि लोग हम लोग उसको देखेंगे कि कैसा बनेगा, फिर वो उसके आगे की प्रक्रिया टेंडर वगैरह लगने की प्रक्रिया शुरू होगी। निश्चित रूप से श्रीमती ज्योतिराजित सिंधे ही रहे कोई भी जनपद है, और वो तो सामाजिक रूप से विकास के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व है। तो इसलिए उन्होंने ये देखा कि एक मेडिकल कॉलेज, अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस महामारी में जो कमी आई, दिक्कत आई, लोग परेशान हुए, मरीजों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिले, तो एक अगर हमारा और मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो सुविधाएं के वाले भी बढ़ जाएंगे ना, उसका लाभ मिलेगा, तो अच्छी बात है। ऐसे ही हमारी यूनिवर्सिटी का अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो ग्वालियर को एक विकास को गति तो मिलेगी, नहीं स्टूडेंट को फायदा होगा, विकास को गति मिलेगी। डॉक्टर बड़े सीनियर नेता, ये मैं आभारी हूँ, फ्री हैंड उन्होंने मुझे अपने काम करने की छूटी नहीं दी है, उसके समस्या के निदान के लिए जरूरत है तो बजट की भी प्रार्थना करते हैं, और उसके लिए जब भी मैं उनके पास विभाग के लिए जाता हूँ सुनते हैं, समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, और समस्याओं के निदान जो है उसका करने में थोड़ा समय लग रहा है, कुछ काम ठीक हो रहे हैं, जहाँ कमी है वहाँ पर हमारे अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं, जरूर ये तो सेवक खुद जाता है। क्या लगता है मेला मेरा ये कहना है, अगर पहले जो कांग्रेस की सरकार थी डॉक्टर उस समय की ब्यूरो रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।